हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सेंट्रोसोम को बेंडेन ने डिस्कवर्ड किया था और टी बोवेरी ने इसको नाम दिया सेंट्रोसोम या तारककाय। दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पर। दो सेंट्रियोल्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं और दो सेंट्रियोल न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं और इनके चारों तरफ का जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव होता है, उनको हम बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर। स्फीयर मतलब गोल और किसके चारों तरफ है, वो सेंट्रियोल के चारों तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं हम सेंट्रोस्फीयर। और दो सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फीयर, इनको हम बोलते हैं, ये दो सेंट्रियोल हो गए और ये प्लस ये, सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फीयर को हम कलेक्टिवली बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सभी हायर एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं और हायर प्लांट्स में अनुपस्थित होते हैं। इसका मतलब कि ये सभी पादप कोशिकाओं में एब्सेंट होते हैं और हायर एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये प्रोकैरियोट्स में भी एब्सेंट होते हैं और रेड एल्गी में एब्सेंट होते हैं, ईस्ट सेल्स में, कॉनिफर्स में और फ्लावरिंग प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं लेकिन इसके अलावा कुछ सैवाल्स में, ब्रायोफाइटा में और फर्न आदि के पादप कोशिकाओं में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः हायर प्लांट्स में ये अनुपस्थित होते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में और रेड एल्गी में भी एब्सेंट होते हैं, जबकि हायर एनिमल्स में, उच्च जंतुओं में, प्राणियों में ये उपस्थित होते हैं। दो सेंट्रियोल न्यूक्लियस के बाहर की तरफ राइट एंगल पर प्रेजेंट होते हैं और 90 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं, 90 डिग्री पर, और इसके चारों तरफ जो सेंट्रोप्लाज्म होता है उसे हम सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। दोनों को हम कलेक्टिवली सेंट्रोसोम बोलते हैं या माइक्रोसेंट्रम भी बोल देते हैं या डिप्लोसोम भी बोलते हैं। डिप्लो मतलब दो, डाई माने दो। ईच सेंट्रियोल के चारों तरफ पेरीसेंट्रियुलर मास होता है, हर सेंट्रियोल के चारों तरफ जो एक मास होता है इसे हम बोलते हैं पेरीसेंट्रियुलर मास। चारों तरफ मास होता है इसे हम बोलते हैं पेरी सेंट्रियोलर मास। जो पेरीसेंट्रियोलर मास होता है तो ईच सेल के चार, जो प्रत्येक जो सेंट्रियोल्स के चारों तरफ पेरीसेंट्रियोलर मास होता है जिसे मैसुलस भी बोलते हैं, मैस्यूल्स भी बोलते हैं और क्राउन और सैटेलाइट भी बोलते हैं। सैटेलाइट भी कहते हैं इसे। पेरिसेंट्रियुलर मास है, ये सेंट्रियोल के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल मेम्ब्रेन लेस संरचनाएं होती है, अर्थात कला विहीन संरचनाएं हैं, इनके चारों तरफ कोई भी कला अनुपस्थित होती है और ये कार्ट व्हील संरचना प्रदर्शित करते हैं बेसल बॉडी की तरह। यानी कि बेसल बॉडी भी एक प्रकार का सेंट्रियोल होता है, इसलिए बेसल बॉडी की संरचना प्रदर्शित करते हैं और ये 9+0 व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और बीच में इनका सेंट्रल पार्ट होता है जिसे सेंट्रल हब बोलते हैं, जो कंडेंस, जो सेमी सॉलिड साइटोसोल होता है। ये ट्रिपलेट फाइबर्स जो होते हैं वो नीचे सेंट्रल हब से जुड़े होते हैं, प्राइमरी फाइबर से और स्पोक से। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं सेकेंडरी फाइबर से। जो प्राइमरी फाइबर्स है उस पर एक थिकनिंग होती है, इसे एक्स थिकनिंग कहते हैं, और दो एक्स थिकनिंग के बीच में एक वाई थिकनिंग होती है, और एक्स थिकनिंग और वाई थिकनिंग जो होती है आपस में
जुड़ी हुई होती है। सेंट्रियोल सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट है, यानी कि उनमें स्वतः गुणन होता है। एक सेंट्रियोल डिवाइड होकर दो सेंट्रियोल बना सकता है। इसके अंदर अपना डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है। सेंट्रियुलर डीएनए को रेंडल और डिस्प्रे ने डिस्कवर्ड किया था। और जो सेंट्रियुलर डीएनए होता है वो डबल सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड होता था, द्विकुंडलित होता है। और वो जो रेप्लिकेशन होता है उसमें, उसका जो गुणन होता है वो एस फेज में होता है। माइटोसिस और जो विभाजन होते हैं, कोशिका विभाजन की एस फेज में होता है। सेंट्रियोल का जो फंक्शन होता है, सेंट्रियोल एनिमल सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन को प्रारंभ करने में, कोशिका विभाजन को प्रारंभ करने में। जो दो सेल्स के जो बीच में, यहाँ पर जो सेंट्रियोल होते हैं, दो सेंट्रियोल, वो दोनों सेंट्रियोल अलग अलग पोल पर पहुँच जाते हैं और यहाँ से एस्टर्स निकलते हैं, रेज निकलते हैं, जिन्हें हम एस्टर बोलते हैं। और यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, तुर्क सूत्र बोलते हैं इनको हम। और स्पिंडल फाइबर से गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स जुड़े हुए होते हैं। जब सेल डिवाइड होती है तो स्पिंडल फाइबर्स की सहायता से सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो बीच में मेटाफेज प्लेट पर जुड़ जाते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो सेंट्रियोल से होता है, इसलिए सेल डिवीजन को स्टार्ट करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और चूंकि इसमें एस्टर्स बनते हैं, इसीलिए एनिमल्स सेल में जो माइटोसिस होती है उसे हम एस्ट्रल या एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं, जबकि प्लांट्स में चूंकि ये नॉर्मली एब्सेंट होते हैं इसलिए एस्टर नहीं बनते, उसे इसलिए एनएस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। तो सेंट्रियोल सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले क्या करता है कि ये सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है, तुर्क सूत्रों का निर्माण करता है। तुर्क सूत्र जो होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, वो 97% ट्यूबुलिन प्रोटीन और 3% आरएनए के बने होते हैं। जो डिवीजन का प्लेन होता है, जब जो डिवीजन होता है हमेशा वो राइट एंगल से होता है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ स्पिंडल, जो स्पिंडल के लॉन्ग एक्सिस होते हैं उससे 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर होता है। अर्थात सेंट्रियोल जो होता है वो प्लेन ऑफ डिवीजन को भी कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, या उसके हिसाब से होता है, इसलिए इनको सेल सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल डिवीजन का जो प्लेन होता है उसको भी डिटरमाइन करते हैं, उसको भी निर्धारित करते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।